इंटरसिटी एक्सप्रेस है, गंगा दामोदर एक्सप्रेस है, ये विक्रमशिला ट्रेन है। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है। जमालपुर भागलपुर के बीच में पैसेंजर ट्रेन चल रही है, लेकिन एक्सप्रेस चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसका अपडेट लाइए। ये जो वीडियो देख रहे हैं, जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच गंगा दामोदर एक्सप्रेस है, तेज रफ्तार में चल रही है, ना कि धीरे। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्र में ये गंगा दामोदर एक्सप्रेस चलती होगी मानते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, बांका राजेंद्र नगर ट्रेन है, जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच में बाढ़ के कारण से लगभग 13 ट्रेन रद्द हो गया था। कुछ ट्रेन को खगड़िया कटिहार की तरफ से चलाया था, तो कुछ क्यूल जेसीडी रास्ते से चलाया था। अब वो सारी ट्रेन बंद होकर के जमालपुर भागलपुर की ओर से चलने लगी, जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्र में धीरे से चल रही है, ना कि सुखार में। ये मालदा टाउन एक्सप्रेस है, जो कि जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच आंधी तूफान की तरह चल रही है। जिस तरह से पहले ट्रेन चल रही है, ठीक उसी तरह से अब चल रही है, ना कि धीरे धीरे चल रही है। हालांकि बाढ़ पीड़ित में कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्र में धीरे धीरे चल रही थी। हालांकि अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्रों में जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस है। ये जो वीडियो देख रहे हैं, हम कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पर हैं। ये ट्रेन विक्रमशिला लग रहा है, ये विक्रमशिला ट्रेन है, जो कि जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच अंधाधुंध स्पीड में चल रही है, ना कि धीरे धीरे। जो भी बचा खुचा ट्रेन है, इसी तरह धीरे धीरे चलने की प्रयास करेगा, ना कि खगड़िया कटिहार की तरफ से चलेगी और ना कि जेसीडी क्यूल के रास्ते से चलेगी। जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की यातायात शुरू हो जाएगा, तो इसी रूट से 13 ट्रेन चलेगी।